फ्रेंड्स वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उस पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके हमारे इस चैनल के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब स्पोर्ट। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल यूट्यूब स्पोर्ट चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको ऑर्डर करके दिखाऊंगा और ऑर्डर को कैंसिल करके भी दिखाऊंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करने का फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल यूट्यूब स्पोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा होगा उस पर क्लिक करके और साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों सब्सक्राइब करना फ्री होता है, सब्सक्राइब करने से आपके अकाउंट से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं कटता। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए हम आपको बताते हैं कि दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करनी है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। सिंपली दोस्तों प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सर्च बार पे टाइप करना है फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों हमने ऐसे फ्लिप लिखा तो दोस्तों ऊपर ऑटोमेटिक आ गया फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, फ्लिपकार्ट को कर लेना है इंस्टॉल। दोस्तों मैंने इंस्टॉल कर चुका हूं। तो दोस्तों मैं सिंपली फ्लिपकार्ट ऐप को करता हूं ओपन। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन दोस्तों ये पड़ी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली दोस्तों फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है। दोस्तों चलिए दोस्तों हम फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट ऐप दोस्तों हमारी जो ओपन हो रही है। दोस्तों आपको ऊपर जैसे कि दोस्तों मैं लाइव डेमो की एक करके आपको ऑर्डर करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों कोई भी मैं प्रोडक्ट ऑर्डर करके दिखा देता हूं। जैसे कि दोस्तों चलिए मैं सर्च बार पे टाइप कर लेता हूं वॉच फोर। दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वॉच फोर मैन। दोस्तों मैंने इतना ही सर्च किया वॉच फोर मैन। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर घड़ियाँ आ चुकी हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों मैं आपको एग्जांपल पे तौर पर कोई भी घड़ी को ऑर्डर करके दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों जैसे कि दोस्तों ये घड़ी है। तो दोस्तों चलिए हम ये वाली घड़ी है जो ये वाली दोस्तों घड़ी है इसको ऑर्डर करके हम आपको दिखाएँगे लाइव डेमो की एग्जाम्पल के तौर पर। तो चलिए दोस्तों ये घड़ी है जो दोस्तों ये देखिए ये ओपन हो चुकी है पूरी। तो दोस्तों आप यहाँ पर इसकी प्राइस पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए इसकी प्राइस है 109 रुपये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली दोस्तों यहाँ पर लिखा होगा चेंज। तो दोस्तों आपको यहाँ पर हम आपको करना है सिंपली चेंज पर क्लिक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड दे देना है। जैसे कि दोस्तों मेरे एरिया का पिन कोड है 33 55 13। दोस्तों हमने पिन कोड दे दिया। उसके बाद दोस्तों इसका डिलीवरी का चार्जेस है 150 रुपये। तो दोस्तों ये लगभग मेरे को 150-200 रुपये पे करने होंगे तभी हम आप इस वॉच को मंगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम आपको यहाँ पर ऑर्डर करने के लिए दोस्तों आप इमेजेस को भी देख सकते हैं पूरी घड़ी को। तो दोस्तों आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, माई कार्ट ऐड टू कार्ट। तो दोस्तों दूसरा आ रहा होगा बाय नाउ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली बाय नाउ पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद दोस्तों ये देखिए मैंने ऊपर अपना एड्रेस दे चुका हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं मनमीत सिंह। तो उसके बाद दोस्तों बस स्टैंड बिहाइंड बस स्टैंड मैंने सारा एड्रेस दे सका है। दोस्तों आपको चेंज और एड्रेस पर जाके आप दोस्तों एड्रेस भी बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने ये एड्रेस दे रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पूछ रहा है पेमेंट्स। तो दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है पेमेंट्स। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोनपे, कई ऑप्शंस आपको दोस्तों देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं तो आपको कहूँगा कि आप दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी पर ही रहने दीजिए क्योंकि दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी सबसे ज़्यादा सेफ़ होती है। तो दोस्तों ये देखिए मेरे को कुल 201.60 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको पूछेगा कैप्चा फिल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर कैप्चा फिल कर देते हैं। दोस्तों ये देखिए जैसे कि हम
974 इसने बताया है। तो दोस्तों उसके बाद आपको कर देना है कन्फर्म ऑर्डर। कन्फर्म ऑर्डर करने के बाद दोस्तों ये देखिए हमारा जो ऑर्डर है वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों उसके बाद ये देखिए दोस्तों हमारा जो ऑर्डर प्लेसड हो गया दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमारा जो ऑर्डर है वो हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हमारा जो ऑर्डर है वो हमारा यहाँ पर हमने दे दिया। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पर ऊपर ऐसे ऑर्डर दे सकते हैं, कोई चीज़ मंगा सकते हैं प्रोडक्ट। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको प्रोडक्ट किसी भी रीजन से अगर आपको कैंसिल करना है तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करके यहाँ पर आपको दोस्तों थ्री लाइंस दिख रही होंगी दोस्तों, उसके ऊपर आपको करना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर माय ऑर्डर्स का ऑप्शंस दिख रहा होगा दोस्तों, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको ऑर्डर कैंसिल करना है। तो दोस्तों ये देखिए थोड़ा लोडिंग ले रहा है। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं जो मैंने ऑर्डर किया था दोस्तों, ये देखिए ये ऊपर आ चुका है दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों आपको सिंपली अगर इसको कैंसिल करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसको ओपन कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों ये बता रहा है ऑर्डर रीड, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कर देना है नीड हेल्प, एक ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है कैंसिल का। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर नीड हेल्प का ऑप्शन आ रहा है, कैंसिल का आ रहा है। तो दोस्तों मेरे को ऊपर ऑर्डर के लिए मैसेज भी आ चुका है कि दोस्तों आपका ऑर्डर सक्सेसफुली हो चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो ऑर्डर है, ये देखिए दोस्तों हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से एक मैसेज आया है कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, इस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए दोस्तों आपको नीड हेल्प का ऑप्शन आ रहा होगा, एक आ रहा होगा कैंसिल का। तो दोस्तों आपको सिंपली कर देना है कैंसिल पर क्लिक, अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना है। तो दोस्तों आपको कैंसिल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पूछ रहा है रीजन फॉर कैंसिलेशन। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको कोई भी रीजन दे देना है दोस्तों, या दोस्तों मैं एक्चुअली कोई भी आपको एग्जांपल पे तौर पर दिखा देता हूँ। एक्सेप्टेड डिलीवरी टाइम इज़ टू लॉन्ग, दोस्तों मैंने ये ऑप्शन दे दिया। तो उसके बाद दोस्तों ये बता रहा है कमेंट ऑप्शन, तो दोस्तों मैं देता हूँ प्राइस हाई। तो दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर प्राइस हाई दोस्तों मैंने जैसे ही दे दिया। उसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है कन्फर्म कैंसिलेशन, तो दोस्तों आपको सिंपली कर देना है उस पर क्लिक। तो दोस्तों ये ऊपर इस टिक लग चुका है दोस्तों, ये देखिए टिक लग चुका है कि हमारा ऑर्डर जो कैंसिल हो चुका है दोस्तों, ये देखिए कैंसिलेशन कन्फर्मेड। तो दोस्तों हमारा जो सिंपली था प्रोडक्ट हो चुका है कैंसिल। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आकर इसको कर देना है रिफ़्रेश। तो दोस्तों आपको रिफ़्रेश करने के बाद दोस्तों आपको कुछ मैसेज आएगा दोस्तों, जिसमें लिखा होगा कि आपका जो ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों आप इस तरह से मतलब यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगा सकते हो दोस्तों। ये देखिए कैंसिलेड हो चुका है, लाल ऐसे दोस्तों बन गया है, यहाँ पर लाल टिक आ चुका है दोस्तों, हमारा जो ऑर्डर था वो हो चुका है कैंसिलेड। दोस्तों ये देखिए हमारा जो ऑर्डर था वो हो गया कैंसिलेड। दोस्तों इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो और कैंसिल भी कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों आपने सीख लिया होगा फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। प्यार